हाथ से हुकाई करके बोर हो चुके हैं और सिलाई मशीन से हुकाई करना चाहते हैं ना, तो जी हाँ, आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आए हैं। थोड़ा सा वेट करो, एक एक चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, पूरे 6 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त हो जाएगी। देखो, सबसे पहले जैसे आपको ब्लाउज में लगाना है हुकाई, तो आप ये छोटा सा पट्टी लोगे, अस्तर का भी ले सकते हैं, कपड़े का भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इस पट्टी को खाली इसमें फिट करोगे, ठीक है। ये इस तरह से फिट करने के बाद इसमें क्रीज लगा करके ऊपर आपको सिलाई डाल देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम एक और कपड़ा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखना कि ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, मान लो 7 इंच आपके में हो सकता है, 8 इंच आ रहा है या और कम ज़्यादा आ रहा है, तो आप इनको पहले बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो। इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने हुक लगने हैं, वो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 6 हुक दे दिया, तो 6 हुक के लिए आप ये इस तरह से एक पट्टी पहले लोगे, उस पट्टी का जो गैपिंग डिस्टेंस है 1/4 इंच छोड़ करके रखना है, नीचे वाली पट्टी से 1/4 इंच हटा के, ताकि वो निशान आपको विजिबल हो। और उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है। देखो, ये प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से घुमा करके सिलाई को लाओगे, जिससे हुक का जो मुंडी होता है, समझ जाओ, उसका जो ऊपर का शेप होता है, वो यहाँ से निकल जाए, वो यहाँ से पास हो जाए। तो ये इस प्रकार से आप इसमें ये सिलाई लगाते चलोगे। ये किसके लिए करना है, पूरे के पूरे 6 हुक के लिए करना है। अभी हमने एक के लिए देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो बाकी जगहों पर प्लेन सिलाई, मतलब बिल्कुल सीधी सिलाई आपको लेके आनी है, और जो निशान है उसको सेंटर मान करके उसके दोनों साइड में ये इस तरह से आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ पर जो आप घुमा करके सिलाई लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा मजबूती के लिए डबल सिलाई रिपीट कर भी सकते हैं, क्योंकि इससे मजबूती आएगी और हुक वहाँ से निकलेगा नहीं। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सेफ है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसमें हुआ क्या कि हमने केवल हुक का जो ऊपर का उसका जो सिर है, उसका जो मुंडी है, समझ सकते हो, हुक का, उसको निकालने के लिए गैप छोड़ा है, बाकी तो हुक वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा। ये देखिए, तो ये खाली हुक की जो है वो मुंडी यहाँ पर आएगी, देखना किस तरह से आएगा। सभी गैपिंग्स में हम हुक को डालेंगे। अब डालेंगे किधर से, अंदर की तरफ से, ठीक है। ये हमारे पास हुक है, इसको निकालते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये एक्चुअल में होगा कैसे। तो देखो, नीचे भी हमने पट्टी लगा रखा है ना, तो उस नीचे तरफ से ही डालना है। देखो, यहाँ से डालना है, ये जो गैप है यहाँ पर, इस तरह से आपको हुक को लेके जाना है, ठीक। और यहाँ से केवल मुंडी निकलेगी, क्योंकि बाकी के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा है ना, तो पूरा पूरा तो निकल नहीं पाएगा। तो मुंडी को इस तरह से निकालें और ये थोड़ा सा आगे ला दें, ठीक। अब बाकी आपको ना इसको लॉक करने का ज़रूरत पड़ेगा ना कुछ करने का, वो एक बार सेट हो गया मतलब हो गया जाके, फिर वो इधर उधर नहीं होगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, इसके लिए आई भी मशीन से बनाने के लिए बताऊंगा किस प्रकार से आई आप बना सकते हैं। और यार, इस तरह की वीडियोज़ को आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आप लोग को लगातार देखने को मिलती रहें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब कॉर्नर से इसमें एक सिलाई इस तरह से लगा देंगे, ठीक। कॉर्नर से सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको फोल्ड कर देंगे, ताकि फुचड़ा वगैरह ना निकले। अब ये जो हुक्स हैं, इसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ दबाना है, तो यहाँ पर ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक। ये ऐसे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ बाहर सिलाई ना दिखे, तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जो लोग मशीन से हुक लगा रहे हैं वो लोग तुरपाई थोड़ी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हुक्स लग गए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल बराबर इस तरह से रख करके सभी हुक के सामने सामने आपको निशान लगाना है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, आई कहाँ पर लगानी है वो पता चलेगा। अब सिलाई मशीन से आई कैसे बनती है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देना किस प्रकार से बने। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आई की जो पट्टी है वो हम कपड़े का ही लगाते हैं, है ना। तो कपड़ा ही लें और इसको इस तरह से रखें, देखो अंदर की तरफ रखें। अंदर की तरफ रखने के बाद हम इसमें ये वाली सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक, जिससे ये जो कपड़ा है ये फिट हो गया। अब हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, ये देखो, एक बार इसमें फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा और एक ही बार में आप सीख जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सीधा सीधा इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे, और फिर जहाँ जहाँ पर आपका जो मार्किंग आया है हुक का, वहाँ वहाँ पर इस सिलाई को ऐसे तिरछा कर देंगे, त्रिभुज शेप देना है, सीधी सी बात है,
समोसा शेप बोल सकते हो, त्रिभुज शेप बोल सकते हो, जो बोलना है बोलो, लेकिन शेप ऐसे ही देना है जहाँ जहाँ पर हुक का निशान मार्क हुआ है वहाँ वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होगा, एक गैप बन के आएगा। आप चाहें तो इस सिलाई को रिपीट भी कर सकते हैं जिससे मजबूती आएगी बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस सिलाई को आप रिपीट भी ले करके जा सकते हो। तो जैसे मैं बोल रहा था कि वहाँ पर जो गैपिंग बने हुए हैं उस गैपिंग में हुक जो है वो जाके आराम से फंस जाएगा और आपको एक्सटर्नल कोई हाथ से आई वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सिलाई मशीन से तुरपाई कैसे करना है वो भी आपको सीखना है तो नीचे कमेंट्स करो यार, फिर मैं तो हूँ बताने के लिए, है ना। मैं बताऊँगा किस प्रकार से सिलाई मशीन से तुरपाई किया जाता है, और अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो ज़रूर से बताऊँगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतने जल्दी वीडियो आने की संभावना रहेगी। तो ये एक एक करके हमने सभी हुक को यहाँ पर अटैच कर दिया, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब देखो ये जो टेक्निक है इसको जैसे आप बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मान लो जैसे ऊपर नीचे हो गया, जैसे आप देख रहे हैं ये नीचे का हल्का सा बढ़ा हुआ है तो इसको हम काट के मिला लेंगे, और ये जो गले का शेप है इसको भी बराबर मिला लेना है पाइपिंग चढ़ाने से पहले, ठीक। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बराबर लुक आएगा और बहुत ही फाइन, एकदम फैंटेस्टिक दिखेगा, मजबूती भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।